लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थान का जाना माना नाम है। यूं कहें कि राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के लिए पोथी, एनसाइक्लोपीडिया। 1916 में देवगढ़ के रावत यानी मेवाड़ राज्य के एक बड़े ठिकाने में जन्मी और 1934 में रावतसर के रावत तेज सिंह के साथ उनका विवाह हुआ। आज उनसे यूं ही बात करने लगे, वो बताती रही और हम सुनते रहे। पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, आप को कुछ याद है जयपुर कितना बदल गया? जयपुर तो साहब इतना जबरदस्त बदला है। मैं यहाँ आकर के 50 में बसी थी। 50 से पहले मैं जयपुर ऐसे ही घूमने के लिए एक दो बार आई थी। अब मैं देखती हूँ तो जमाना है, जयपुर बिल्कुल ऐसा बदल गया है कि कोई बाहर का आए तो पहचान नहीं सकता कि क्या ये वही जयपुर है। ये आपके पास ही जो स्टेशन रोड है, आजकल आप देखिए सवारियों से, वाहनों से भरा रहता है, यानी निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं आई थी तो मैं वॉकिंग करने के लिए इस सड़क पर वॉकिंग के लिए निकलती थी। ये फ़र्क देखिए, वॉकिंग का खाली जगह थी कि मैं वॉकिंग करती थी। 1950 में जब आप जयपुर आए तो क्या चित्र था जयपुर का आपके सामने? हम सुनते थे जयपुर के दिमाग में कि जयपुर शहर नहीं देखा जिसने कुछ नहीं देखा। शहर है तो जयपुर शहर है, ये था इसकी। दो जैसे बम्बई लंदन देखने के लिए लोग जो जाते हैं बाहर, वो ही खुशूसियत इस जयपुर में थी कि लोगों को आकर्षित करती थी। और शॉपिंग के लिए भी जयपुर बहुत नामी माना जाता था तब, आज भी है। आज भी शॉपिंग में जयपुर का स्थान है। और गाड़ियाँ भी थी बहुत कम उन दिनों जयपुर में। आपको ताजुब होगा कि केवल 3-4 महिलाएं थी जो कार चलाती थी। उनमें से एक मैं थी, एक गायत्री देवी महारानी साहब थे, एक आध और कोई लेडी थी, बाकी कोई लेडी कार नहीं चला सकती, आते ही नहीं था किसी को। और जब आप कार चलाती थी तो क्या सुनती थी आप लोगों से? नहीं, मैंने तो अपने गांव में कार चलाना सीख लिया था, आई तब मैं चलाना जानती थी, इसलिए अपनी कार साथ ले। मेरा कार चलाना भी जरा पर्दे के बाहर ही हुआ था, तो मैंने ड्राइवर सिखाने के लिए अपने पीर से बुलाया ड्राइवर। वहाँ का ससुराल का ड्राइवर के सामने तो मैं चला नहीं सकती, मेरे पीहर का ड्राइवर आया। फिर जंगल में जाते, जंगल में फिर वो मुझे कार चलाना सिखाता था। और खास सड़कों पे नहीं, जंगल में ही तो लोगों को बिठाते, भाई किसी को आने जाने मत देना इधर तेरे घर। तो मैंने इस तरह से वो कार चलाना शौक से सीखा था, क्योंकि मैं जरा नई बातों की तरफ मेरी रुचि थी, तो मैंने कहा मैं मोटर चलाना सीखी। और क्या नई बातें थी जो आप करते थे उस समय वहाँ पर? हाँ, और क्या नई बातें की थी आपने शादी से पहले और बाद में भी, दोनों समय? शादी से पहले तो मैं अपना एक बाग, जनाना बाग बनाया था, तो आस पास वो बाग था, कोई आ नहीं सकता था, फाटक बंद कर देते थे, और मैं बाग में काम करती थी। वॉलीबॉल क्या, कौन सा गेंद होता है भाई? वॉलीबॉल तो नहीं जी, छोटा दूसरा है, टेनिस से छोटा, वो टेनिस तो नहीं, टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस तो घर में। अच्छा, और वहाँ बैडमिंटन बाग में जाकर भी अपने एक दो दो मेरे घर में काम करने वाली महिलाएं रहा सूती, मैंने रख छोटा था, उनको भी मैंने सिखा दिया, और मम्मा ये करते थे तो मेरा जरा। और शादी के बाद? शादी के बाद तो फिर मैं हमारे गांव में भी रहती थी, बीकानेर में भी रहती थी, तो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी का रास्ता, सख्त हैंड आयरन हैंड रूल था उनका, महाराजा गंगा सिंह जी, हर एक काम बड़े सोच समझ के साथ करना होता था। मैं अखबारों में उन दिनों आर्टिकल लिखने लग गई थी, यूँ तो शादी से पहले ही मेरे छपते थे बाल सका वगैरह में, पर दूसरे आर्टिकल छपने लगे, लेकिन बीकानेर के राज में गंगा सिंह जी के सामने हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं आर्टिकल लिखती हूँ।
इसलिए मेरे वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पीर के नाम से लिखती तो सोचते कोई होगा, ताकि लोगों को पता नहीं था कि ये आर्टिकल मेरे हैं ससुराल में। तो बहुत ही एहतियात के साथ ये सारे काम करने पड़ते थे। और कैसे कर लेते थे, कब लिखते थे आप है? कब लिखते थे आप, लिखने का समय कब मिलता था आपको? लिखना, मेरे पास काम क्या था लिखने के सिवाय, गांव में मेरे पास काम क्या करना था? काम तो कुछ था नहीं कि मैं कुछ, मुझे धंधा करना पड़े कि, तो अपने घर में बैठे यही होता था। और क्या बातें याद आती हैं आपको उस जमाने की, आपकी आपसे जुड़ी हुई? उन दिनों हमारे गांव में तो कोई स्कूल भी नहीं था लड़कों का कि लड़कियों का, वो स्कूल भी मैंने वहाँ जाकर गांव में खोला था। और उन दिनों बहुत ही बेखबर थे हम, शादी करके मैं आई तब, हमारे गांव में डाक एकांत रे आती थी, रोजाना डाक भी आने का नहीं था। हनुमानगढ़ हमारे यहाँ से 12 कोस से एक सवार रख छोड़ा था, वो सवार आज जाता हनुमानगढ़, डाक कर लेट करके कल फिर आता, फिर वो दूसरे दिन जाता एकांत वहाँ से डाक। तो ये तो हमारे यहाँ की पोस्ट ऑफिस की डाक की हालत थी। उन दिनों में अखबार मंगाती थी, 2-3 मेरे पास हिंदी के अंग्रेजी के अखबार आते थे, तो अंग्रेजी के अखबारों में से मैं बहुत कुछ इंग्लिश सीखती थी। जहाँ नहीं आता था मेरे हस्बैंड बता देते थे कि इसका ये मतलब होता है, क्योंकि मैं तो फिहर में, मेरे भाई को पढ़ाने मास्टर आता था तो उनके पास बैठ जाती थी, तो उस तरह से पढ़ी थी। बाकायदा मैंने कभी किसी स्कूल को नहीं देखा, देखा ही नहीं। जब मैं अपनी बेटियों को भर्ती कराने गई सोफिया में अजमेर, तब मैंने देखा कि स्कूल कैसी होती है। तो हमारे तो जिंदगी कुछ ऐसे निकली है। अपनी यादों को उन्होंने पर्दा टू पीपल में अंकित किया है, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना लिखा और आप पुरस्कृत भी हुई, तो ये कैसे जज्बा आपके अंदर बना? देखिएगा, लिखने का तो मैं 13-14 साल की थी तभी से लिखने लग गई थी। जैसे बच्चों को अखबार आता है बाल सका, एक दीदी पत्र आता है, तो उनमें मैं छोटी मोटी बातें कोई पहले सुन गई। सबसे पहले मैंने वो बाल सखक में आई हुई पहली का जवाब दिया तो मुझे 2 रुपये इनाम के मिले वहाँ से। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि देखो लिखा, पहली सुन गई और 2 रुपये इनाम के मिले। और उसके बाद? उसके बाद मेरा लिखना जारी रहा, मुझे शौक था लिखने का, और इसके लिए मुझे प्रेरणाएं हमारे घर से ही मिलती थी। मेरे पिताजी को अच्छा शौक था और उनके दरबार में, हमारे यहाँ दरबार ही कहलाता था, दरबार में कई विद्वान लोग थे, कवि लोग थे, बाहर से आने वाले कवि मेरे फादर के पास आते रहते थे, तो उनके पास बैठने का मुझे मौका मिलता। हमारे यहाँ के भी घर में इतिहासकार थे, रात को वो इतिहास की बातें सुनाया करते थे। कहानी कहने वाले पुश्तैनी थे बड़वा वगैरह, जो कहानियाँ सुनाते थे, तो उनकी कहानियाँ सुनते थे, वो कहानियाँ मुझे याद है। उसी कहानियों के आधार के ऊपर बाद में मैंने इतनी ये कहानियाँ लिखी। और उस वक्त ऐसा कायदा था हमारे यहाँ कि मैं जो लड़की थी, अंदर तो देखभाल करने वाली दाई रहती थी, खिलाना पिलाना दाई का ये मतलब देखना, बाहर एक आदमी और था वो धाबई था। तो वो उसको इन बातों की बहुत जानकारी थी, बहुत शौक था,
तो बहुत कुछ उसने मुझे बताया और उनकी बातों का प्रभाव मुझे मिला। शाम के वक्त हमारे फादर आकर बैठ जाते थे और इस तरह के लोग आकर बैठ जाते तो घंटे दो घंटे संस्कृति की, साहित्य की, इतिहास की, पुरानी बातें, ऐसी बातें होती रही। तो मेरा उनमें बड़ा मन लगता था और उससे मुझे तभी एक जो हमारे यहाँ कवि था उसने देखकर बताया था मेरे लिए कि ये आगे इस लाइन में बढ़ेगी, इसके शौक है। उसने एक दोहा भी कहा था कि पुत्री नृप बजमाल की महालक्ष्मी बुद्धिमान। फिर आगे उसने मेरा भाई कहा कि अकेली का तो मैं कैसे दूँ, तुम तो सच्चा बंधु सगराम है रखरा जो बेन खुमान। लेकिन दरअसल में वो मेरी तारीफ कहना चाहता था। अब एक की तो तारीफ करब और एक भाई एक बहन के बारे में बोले तो वहाँ तो फिर सवाल भी हो जाता है। इस तरह से तो आपने पर्दा भी किया था? पक्का पर्दा। आपसे कहती हूँ मैं कि ड्राइवर को पहरे में जाकर ड्राइवर का पेड़ लेकर के पेड़ा लगा करके कोई आना जाए तो पक्का था पेड़ा मेरा। पर्दा करना कैसा लगता था आपको? जब मेरे कान बिंदाए यहाँ से पहले सरक नाक बंदाते थे या मिंदाते थे यहाँ करते थे तो मेरा वो यहाँ से कान मेरी माँ के कहा भाई इसके कान बिंदो वो यहाँ वो कड़ियाँ बढ़िया मोती वोती लगा करके पहनाते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे लड़की कैसे बना रहे हो। मैं छत पर चढ़ गई थी कूद कर नीचे पड़ कर मरने के लिए लोगों ने आके उतारा क्योंकि मैं अपने आप को लड़के ही समझती थी। मेरे फादर ने मुझे इस तरह से बड़ा किया था, कपड़े भी मैं मर्दानी पहनती थी, बोली भी मुझे औरतों की नहीं आती थी, मुँह जाऊंगा मुँह आऊंगा मैं ये ऐसे बोलती थी। एक दफे हम उदयपुर जा रहे थे तो रास्ते में नाथद्वारा में ठहरे तो वहाँ पर वो पहरे वाले थे जो वो मेरी माँ से पूछने के आए कि ये आपके साथ में एक बच्चा है, हम दोनों के बीच में हार जीत हो गई है, ये लड़की है कि लड़का है। हमने दो दो रुपए की आपस में जानना दो रुपए बहुत होते दो दो रुपए की शर्त लगा रखी। फिर मेरी माँ ने कहा भी है तो लड़की तू दो रुपए हार गई हो तो ये लो। पर्दा छोड़ने भी बड़ी ताकत लगानी पड़ी। हाँ वो बताइए कैसे लगाई? बहुत ताकत लगानी पड़ी। जब मैं पर्दा छोड़ करके चुनाव लड़ने लगी तो ससुराल से तो चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं पीहर से लड़ी। अच्छा। और मेरे भाई पहले एक चुनाव जनसंघ का लड़ करके जीत चुके। 1962 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी के तहत लोकसभा की सदस्य रही तथा 1972 से 78 तक राज्यसभा की सदस्य रही। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। उसके बाद पार्लियामेंट या असेंबली में भी वो 5 साल रहते। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि भाई चुनाव में कांग्रेस को ही आना पड़ेगा। वो बीजेपी के लोग भी आए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो एक बहुत बड़ी जंग थी, सारे राजा लोग इसके खिलाफ थे। आपके चुनाव लड़ने पर? मेरे चुनाव लड़ने के डूंगरपुर उदयपुर उदयपुर है जाइनेस तो मेरे खिलाफ देवगढ़ में भाषण देने आए थे और इसी तरह और बीकानेर में तो खैर हवा भी नहीं गई थी। किसी ने पूछा मेरे हस्बैंड से लोगों ने दरबार वगैरह ने कि हमने सुना है कि हम लोगों में से भी कोई चुनाव लड़ रहा है। मेरे हस्बैंड तो ऐसे चुप बैठे रह के जैसे घूंगे हो कुछ हाँ ना का बोले ही नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया। तो चुनाव जब लड़ने लगे तो पहले तो सुखड़िया साहब आए मुझे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारने के लिए। हमारे कांग्रेस वर्कर रहे तो वो भी जूते खाए हुए थे मेरे भाई के, वो भी नहीं चाहते थे कि ये आकर हमारे सिर पर बैठे। तो उन्होंने यही जवाब दिया सुखड़िया साहब से कि अगर आप उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो पहले हमारे दफ्तर में आए।
कांग्रेस दफ्तर में। सुखड़ा जी ने कहा कि चलो। पहली दफे मोटर का पर्दा हटाकर सुखड़ा साहब आगे बैठे, मैं पीछे बैठे, साथ बैठे और मुझे लेकर कांग्रेस दफ्तर में गए। ये तो हुआ उस वक्त की बात। जब चुनाव के मैदान में उतर गई तो राजपूत लोगों ने मेरा विरोध किया। हमारे देवगढ़ के भी जागीरदार थे उन दिनों, ऐसा सिस्टम था, 60-70 जागीरदार हमारे थे। हम तो राणा जी के थे, हमारे भी 60-70 जागीरदार थे। उन सबको मेरे भाई ने बुलाया, भाई ये बेन है, इनको वोट दो, आप मदद दौर करो। एक उनका लीडर बोला कि आप मालिक, सिर के मालिक, जब आपको ज़रूरत पड़े तो हमारा सिर तैयार है, आपके लिए हम कटाने को तैयार है। बाप दादा कटाते रहे, हम कटाने के लिए तैयार है, लेकिन नाक कटाने को राजी नहीं। ये सिर नहीं कटा रहे, नाक कटाना है हमारा। उसके लिए क्यों, दो वजह से। एक तो ये पर्दा तोड़ करके लोगों में जाएगी, कितनी खराब बात है। दूसरी कांग्रेस से जो हमारी दुश्मन है, तो दो दो भयंकर बातें हैं। फिर एक जगदीश जगदीश मंदिर है, वहां पर हर साल राजपूतों की सभाएं हुआ करती है, उदयपुर में, देवगढ़ में हुआ करती। एक व्यक्ति उठा और उसने प्रस्ताव रखा कि बाईसा को गोली मार करके उड़ा दो। लेकिन मैं दबी नहीं, डरी नहीं, मैदान में उतर के लड़ती रही। और जब एक दफे सक्सेस मिल जाती है तो मैंने देखा सब आपके पीछे हो जाते हैं। सक्सेस बड़ी चीज। और फिर मैंने उन लोगों का जो नाक कटाने की बातें जो करते थे, वो सबसे पहले उनके गांवों को ओबलाइज किया। उनके यहाँ तालाब फूट गया था, तालाब नहीं था, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं के यहाँ मेरा विरोध करने वालों के लिए तालाब बनाए। तालाब बनाने से उनकी रोजी रोटी खुल गई, आमदनी होने लगी, सब बैसा के चाकर हो गए। साड़ी ओढ़ा कर अपने गांव गई तो साड़ी ओढ़ा करके सीख दी, बैसा साड़ी ओढ़ करके जाओ, तो फिर वो फिर तो कोई आम दिक्कत आई नहीं। और आपके ससुराल वालों का क्या उस पर प्रतिक्रिया थी? ससुराल वाले कहाँ, तो रावत सर का ठिकाना वो पंजाब के पास और कहाँ मेवाड़ का, वहाँ वालों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया वहाँ आवाई नहीं गई कि इसकी कि मैं गई हूँ। चुनाव जीतने के बाद फिर वहाँ गई तो फिर क्या था, होने को था। फिर एक दो मिनिस्टरों को मैंने बुला लिया वहाँ पर, वहाँ मेरे पास रहे और वहाँ की जो समस्याएं थी वो मिनिस्टरों से मिला करके वो हल करवा दी। आप मुझे बताओ वो जमाने और इस जमाने में क्या अंतर है औरतों की स्थिति पर? अरे साहब, जमीन वार रात और दिन का फर्क है, किस किस को गिनाए, रात और दिन का फर्क। उसके लिए हमें किसको धन्यवाद देना चाहिए, महिलाओं को, खुद को या इस जमाने? देखिएगा, ये तो जनतंत्र का हवा दी, उसी का बदलाव आया है, उसी से लोगों के दिमाग में ये विचार आए हैं तरह तरह के। और अब भी आप देखो तो कई जगह ऐसा है कि बदलाव नहीं आया, लेकिन हवा ऐसी चल रही है कि बदलाव से कोई अछूता नहीं रहा है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन बदलाव सबके ऊपर है। मुझे आप बताएं कि आपने जो भी कुछ किया अपने जीवन, आप उसका पूरा क्रेडिट किसको देती हैं, स्वयं को और किसको? मेरा तो विरोध ही विरोध हुआ है। मैं तो ये देती हूँ कि इंसान हिम्मत रखे, रास्ते पर चला जाए, उसको धन्यवाद देती और काम संभल करके करे। पॉलिटिक्स में किसी से बदला लेने का सवाल न रहे, हो सके उसे आप ओबलाइज करें। ये नसीहत हमें सुखड़ा साहब ने दी थी, उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया था। उदयपुर में एक अखबार निकलता करता था, मार्शल उसका नाम था, अरे एक सिंधी था वो उसे निकालता था मार्शल, तो वो हमेशा खिलाफत में लिखा करता था। देवगढ़ में भी उसका था तो मेरे भाई के खिलाफ खूब लिखता। अच्छा। मेरे बारे में भी उसने इतनी भद्दी बातें लिखी, वो कोई एक
विलायत में वो कोई एमपी औरत बनी थी, उसका कुछ नाम बुनेनो कैसे ही चलता था, तो मेरा नाम भी उसने वो ऐसे भद्दी औरत के नाम पर मेरा नाम लिख करके दिया। इतना इसी तरह सुखड़ा जी के बारे में, हमारे बारे में, तो सुखड़ा जी ने वो खुद उसने मुझे बताया बाद में कि उसकी बेटी की शादी हो रही थी, तो उदयपुर का ही रहने वाला था। कंकू पत्री लेकर सुखड़ा जी के पास गया, निमंत्रण लेकर के मेरे शादी में आई। अच्छा। गए, वो तो इतनी होता ही है, नहीं हो गया सुखड़ वो कहने लगा मुझे अचंभा हुआ कि सुखड़ा जी तो आ गए मेरे घर पर, और अब कन्यादान के वक्त 5,000 रुपये मेरे लड़की को देकर गए। जैसे ही वो मेरे यहाँ आए तो मैं तो अचंभे में रह गया, मैं तो इनको रात दिन गालियां देता हूँ और ये तो मेरी बेटी की शादी में आ गई। थोड़े दिनों के बाद हमारा उनका भी काफी रहा, मैं भी काफी आगे आ गई थी, मैं आबू में जा रही थी तो वो मेरे साथ हो गया मार्शल वाला, और मुझे लोगों से मिला यहाँ ये हमारे राजस्थान की इंदिरा गांधी। आपको राजस्थान की इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है? जाना जाता, लोग वो तो उसने मुझ पर कह दिया होगा, बाकी लोग कहने वाले अपनी मर्जी चाहे जैसा कहते हैं। एक तो क्या है कि कई जगह जाती तो मुझे गांव वाले इंदिरा गांधी समझ लेते, जो बाल थे ना उनके यहाँ से सफेद और मेरे भी सफेद थे। अभी हमारे SDO मिले थे तो कहने लगे मैं आपके यहाँ SDO था, दौरे पर इंदिरा जी आई थी भीम में, आप दोनों की एक सी तो साड़ियाँ थी, एक रंग की साड़ियाँ होगी वे मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता, तो आप ऐसे लग रही थी कि दोनों बहने हैं। किस तरीके से कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है? अब मेरे मैं इतनी संदेश देने वाली योग्य हूँ कहाँ कि मैं कुछ कहूँ, यहाँ एक से एक बहने विद्वान पढ़ी लिखी काम करने वाली सब है, जयपुर के लोगों में क्या कमी है कि मैं उनको बताऊँ, वो मुझे बताए मैं क्या उनको बताऊँ। नहीं, आप बता सकते हैं कुछ तो बताए। अब संदेश तो क्या है, मैं क्या कहूँ, मेरा तो संदेश चाहिए कि फले फूले आगे बढ़े, पुराने रीति रिवाज हमने काफी उठा दिए, मैंने विवाह शादी हम इतने नहीं करते, सादगी के साथ विवाह शादी की मैंने, बच्चों की भी हो सका तब तक, एक दो ब्याह शुरू कर तो करने की जब इतना जोर नहीं चलता था, फिर तो मैंने पर्दा छोड़ दिया यहाँ आने के बाद।